बीच में स्पेस शॉर्टेज होने के कारण डिसकनेक्ट हो चुका था। तो अभी तक हमने बात की थी मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन के बारे में, जिसमें हमने दो डिवीजन्स की बात की, एक ऑडियो प्रोडक्शन डिवीजन और दूसरा वीडियो प्रोडक्शन डिवीजन। ऑडियो प्रोडक्शन डिवीजन में मैंने एग्जांपल दिया था ज्ञानवाणी के बारे में। इसी तरह से जब हम वीडियो प्रोडक्शन डिवीजन की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत फेमस, आपने एक नाम सुना होगा ज्ञान दर्शन का, जो डीडी नेशनल टेलीकास्ट चैनल पर चलता है। और इस ज्ञान दर्शन में 5 to 18 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं और इनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनको बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी गई हैं, और आईसीटी के थ्रू वो बहुत अच्छे से क्लासरूम को में अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा डिवीजन आता है प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन। जो हमारा प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो डिवीजन है ये ईयरली, मंथली एंड क्वार्टरली, ये IAB और दूसरा PAC जो NCERT के बींग हैं, इनको अपना प्रपोजल देता है कि कमिंग इवेंट्स ये क्या करने वाले हैं, और IAB और PAC इनको परमिशन देता है आफ्टर डिस्कशन। साथ ही साथ जो प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन है, दूसरी एक्टिविटी करता है कि जितने इंडिया में 6 स्टेट्स में SIETs हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने हैं, उनका लिंक ये जो एस्टैब्लिश करता है CIET के साथ, टाइम टू टाइम लिंकेज इज देयर। तो ये जो SIETs हैं इंडिया में 6 स्टेट्स में हैं, एक तो महाराष्ट्र में है, दूसरा आंध्र प्रदेश में है, तीसरा उड़ीसा में है, देन उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है और केरला में है। प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन के बाद तीसरा डिवीजन जो आता है वो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आईसीटी, और चौथा आता है ट्रेनिंग डिवीजन। डिपार्टमेंट ऑफ आईसीटी और ट्रेनिंग डिवीजन को मर्ज किया जाता है, दोनों की एक्टिविटीज साथ साथ चलती हैं। तो जो ये डिपार्टमेंट ऑफ आईसीटी या फिर ट्रेनिंग डिवीजन है, ये काम करता है कि टीचर्स की कंटिन्यूसली अपडेटिंग करना और मेंटेनेंस के बारे में बताना, CIET की वेबसाइट कैसे ऑपरेट करनी है और CIET की वेबसाइट की अपडेटिंग करते रहना, इस डिवीजन का काम है। दूसरा, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स देना है, रीसेंट जो ICT की वेबसाइट चल रही हैं, लाइक जैसे वेब 2.0 टूल्स, उसके बारे में समझाना, या फिर विकी एजुकेटर्स के बारे में टीचर्स को ट्रेनिंग देना कि किस तरह से इन वेबसाइट को ऑपरेट करें। और तीसरा इसका काम रहता है कि जब भी किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आइदर ये फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू या फिर डिफरेंट नेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप करवा करके ट्रेनिंग देते हैं। अगला डिपार्टमेंट आ जाता है डिवीजन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स। और अगला आ जाता है इंजीनियरिंग डिवीजन। इंजीनियरिंग डिवीजन में जो है हेड्स हैं, सीनियर इंजीनियर्स हैं, असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं जो मिलकर के काम करते हैं। और जो फोर्थ डिवीजन है एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स, उसमें बिना एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्तियों के किसी CIET का काम होना ही पॉसिबल नहीं है, और अकाउंट्स वाले फाइनेंस मैटर को चेक करते हैं। तो इस तरह से CIET जो है डिफरेंट एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करता है, और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा है। प्रोजेक्ट्स लाइक, जैसे आपने सुने होंगे, प्रोजेक्ट्स ऑफ ICT, जैसे ई पाठशाला, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज ऑन इवेल्युएशन ऑफ ICT इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, या फिर एरिक ERIC, या फिर MOOCs ऑन स्वयं। इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स CIET के चल रहे हैं, और CIET बहुत सारे रिसोर्सेज भी हमें देता है। रिसोर्सेज मीन्स सोर्सेज हमारे पास बहुत सारे, जिनके थ्रू हम डेली अपडेटिंग के बारे में जान सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे इनके जर्नल्स हैं, बहुत सारी बुकलेट्स भी हैं, बहुत सारे ई कंटेंट भी हैं, बहुत सारे न्यूज़ लेटर्स हैं, बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी हैं इनके पास, और बहुत सारे स्कूल करिकुलम बेस्ड इन्होंने कोर्सेज चला रखे हैं। ये बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम CIET के अपडेटिंग और मेंटेनेंस के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ साथ ही ये प्रोजेक्ट्स रिसोर्सेज के साथ साथ में ये बहुत सारे इवेंट्स भी करवाते हैं।
इनके फेमस इवेंट्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस या आईसीटी टीचर्स अवार्ड या फिर आईसीटी मेला. तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि स्कूल सिस्टम को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना ही सीआईईटी का एक मेन कार्य है और इसके द्वारा जो है क्लासरूम एनवायरनमेंट को मोर अपडेट किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है और ग्लोबली हम जो है नॉलेजेबल या फिर नॉलेजेबल इकोनॉमिक कंट्री कहला सकते हैं. तो आज के लेक्चर में था हमारा सीआईईटी. नेक्स्ट लेक्चर में हम रीसेंट ट्रेंड्स में ईएमआरसी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो रीसेंट ट्रेंड्स आज के टाइम में चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.